गहरी चिंता का विषय। 13 जुलाई 2004 का हुक्मनामा अते जथेदार साहब की कल दी एक खबर। 13 जुलाई नू एक संदेश जारी किया गया अकाल तख्त तो सिख कौम दे नाल कि RSS दे नाल कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा और कोई भी सिख उन्हां दे किसी भी समागम दे विच हाजिरी नहीं भरेगा। यह संदेश 2004 विच अकाल तख्त साहब तो जारी किया गया, लेकिन कल दी अखबारा विच अकाल तख्त दे जथेदार साहबान वालों एक बयान जारी किया गया, राष्ट्रीय सिख संगत विरुद्ध नहीं है कोई हुक्मनामा। संदेश अकाल तख्त का संदेश या हुक्मनामा फर्क है? इंज नहीं लगता कि जिस तरह एक वकील अपनी स्टेटमेंट नू किस तरीके नाल प्रेजेंट करता है, अपनी पहली स्टेटमेंट नू छुपाने वास्ते एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। और ये एक ऐसा विषय है जिहड़ा संसार भर के सिखा दे विच सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है। अकाल तख्त के जथेदार साहबान वालों इस उत्ते कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिती गई, बल्कि वकीलों वांग एक गोलमोल जी स्टेटमेंट दिती गई। एक बड़ा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, विचारन का विषय है कि जथेदार साहबान वालों अपने ही जथेदारों वालों हुक्म जारी किए हुए सिख कौम के नाम संदेश नूं किवें चुटला रहे हैं या क्यों चुटला रहे हैं। एक बड़ा ही खतरनाक सोचने का विषय है। जिस हुक्मनामे विच जथेदार साहबान के सिग्नेचर ने उन्हां विचों एक जथेदार साहबान उत्थे उस प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं। दूजा पक्ष है कि वह समागम 350वीं शताब्दी से, भावें 350वीं शताब्दी होवे, भावें सर्वधर्म सम्मेलन होवे, भावें किसी का वेलकम होवे, जदों सिखां लई संदेश जारी होया कि उन्हां दे किसी भी प्रोग्राम ते किसी भी एक्टिविटी दे विच कोई भी सिख भाग नहीं लेगा, तो फिर भावें वो किसी भी नाम थले होवे वो गलत है। चाहिदा तो ऐसी कि अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा एक संदेश जारी होंदा कि जेड़ा भी सिंह अकाल तख्त दे हुक्मनामे दी अकाल तख्त दे संदेश की अगर उलंघना करता है उदे उत्ते की कार्रवाई की जाएगी। इस हुक्मनामा जारी होंदा या ये संदेश जारी होंदा, पर संदेश जारी होया वकीलां नूं, यह जेड़े सियासी लीडर ने, यह जेड़े पंथक लीडर ने, यह सारे ते सारे अपने हिसाब नाल अपनी फायदे दे हिसाब नाल स्टेटमेंटा दे रहे ने। पंथ सिखी अकाल तख्त दी मर्यादा सब दाब ते लगा के कि किसी एहो जे मुद्दे ते भी सिख पंथ इकट्ठा होएगा, भावें वह गुरु ग्रंथ साहिब दी बेदी सी, भावें राम रहीम दा मुद्दा सी, इन्हां मुद्दियां ते भी सिख पंथ इकट्ठा नहीं हो सकिया। ते कि सिख पंथ हमेशा अपने फायदे और अपने सियासी आगुआं नूं खुश करन वास्ते या अपने सियासी बेनीफिट लई हमेशा सिखी नूं दाव ते लगा के चलणगे। आओ विचारिए।